मंत्री जी महाराज, ये सुंदर सुशील सा जो अचानक चुपचाप हमारे दरबार में आया है और कुछ शर्माया हुआ खड़ा हुआ है, ये कौन है? महाराज, ये तुम्हारा पुत्र है। कौन सा पुत्र? ध्रुव। ध्रुव जी, पिताजी प्रणाम। पहले पिताजी के प्रणाम। लेकिन जब तुम ये जानते हो कि मैं राजा का बेटा हूं तो फिर संकोच किस बात का? अरे बुढ़ापे में मैंने दो संतान प्राप्त की हैं और बुढ़ापे में अगर संतान मिल जाए तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। तुम बगैर किसी की आज्ञा के प्रत्येक दिन इस दरबार में आया करो, इस दरबार में मन चाहे आदेश दिया करो और बगैर रोक टोक के आके मेरी गोदी में बैठ जाया करो। जो आज्ञा पिताजी। मेरे कलेजे से लग जाया करो, मेरे सीने को ठंडा किया करो। कलेजे से लग जाया करो, मेरे सीने को ठंडा किया करो। कौन है ये? ये आपको जब सुनोगी तो बड़ी खुशी होगी। हाँ बता कौन है? महारानी, ये आपकी बड़ी बहन का बेटा, आपका बेटा ये ध्रुव है। मेरी बड़ी बहन इसे पुचकार ले, इसे प्यार कर। उस दुष्टनी का बेटा, चल यहाँ से। कैसे आया तू यहाँ? ये यहाँ आया कैसे? कैसे आया ये यहाँ? कुछ शर्म कर ले। शर्म तू कर। अगर लाड़ लड़ाने का इतना ही शौक है ना तो मेरा बेटा ये उत्तम है। ये मंत्री कहाँ से? राजा को अगर लाड़ करने का इतना ही शौक है ना, मेरे उत्तम से लाड़ किया कर। ए लकड़ी बाज, मैं मानता हूं उत्तम भी मुझे इतना ही प्रिय है जितना, लेकिन तू कुछ तो शर्म की होती। ये जंगलों में राजा का कालिया से भग जाए यहां से, चल। आया बड़ा दूर होके नहीं। क्या तुझे राजा का खौफ नहीं है? तेरा खौफ? अरे बुढ़ाऊ रहने दे, मर जाएगा खामा खा। महाराज क्यों पब्लिक के सामने ही तेरी हत्या लग जाएगी मुझे? आखिरकार ये ध्रुव मेरा बेटा है, यही मेरी गोदी में जरूर बैठेगा। ओ बुढ़ापे, अगर जीना चाहता है ना, तुझे जिंदगी से प्यार है तो इसे अभी इसी वक्त शर्म कर। जिसे तू पति की जगह परमेश्वर कहना चाहिए उसे मुझे। चल चल, मेरा परमेश्वर नहीं है तू, ना कभी था। और शर्म तुझे करनी चाहिए बुढ़े कहीं के, जो तूने बुढ़ापे में मेरे जैसी जवान लड़की से शादी की। तुझे शर्म आनी चाहिए गंजे। ताली बजवा रहे हो मंत्री जी? जी। अच्छा, तुझे लज्जा नहीं आई? तुझसे तो मंत्री इतने भरे दरबार में मेरी बेइज्जती करने में तुझे लज्जा नहीं आई? इतने भरे दरबार में जब नहीं देख रहा था दरबार, जब छोटी सी लड़की से शादी करके लाया 70 साल की उम्र में। ये बाजे पेंड वाले भी स्थान से सुन रहे हैं तेरी बातों। सुनने दे, इन पे पिटवाऊंगी तुझे। अरे मेरे भी दुख पहुंचा रानी। किस चीज का? मेरे भी दुख पहुंचा रे रानी, और लात कमर के मारी का। तू जिसने कमर बतावे से या बेटा से कलहारी का, बेटा से कलहारी का। अरे मेरे भी दुख पहुंचा रे रानी, ओ मेरे भी दुख पहुंचा रे रानी, और लात कमर के मारी का। जिसने कमर बतावे से या बेटा से कलहारी का, या बेटा से कलहारी का। रे कर दिया काम बुराई का, मैंने तन कर दिया काम बुराई का। न्यू हाँ से संसार बने, अरे गैर बिठाया गोदी में, और उत्तम से ना प्यार तने, मेरे बच्चे से ना प्यार तने। जे इसकी माता सुन लेगी, ये तो मेरा है, मैं यूं इसकी माता। तो जे इसकी माता सुन लेगी, ये डंकनी, ये नकटी चुप हो जा, नहीं फाड़। और नकटी तू अभी, तेरी तेरी और मेरी माँ तो एक ही है, और तू है नकटी कहीं की। और तू क्या कंजरी, एक घंटे से मेरे छोरे को क्या, और मेरी सुसरी बेशरम कहीं तेरी नकटी चली जाए। बाजे बाजे, ये बात बाजे सब बात। ये
ये डायन फाड़ के तोड़ दूंगी तेरे दुष्टनी राक्षसनी और डंकनी मर जा तू तेरे मर जा पूत तेरा मर जा तेरे मर जा छोटी माता जी जब तो बड़ी आई थी एक घंटा हो लिया मेरे छोरे को कुछ कुछ कह रही है मेरे छोरे को मार रही है तेरी तो मम्मी मैं बहुत जोर से आजा छोरा उड़े आ तू आजा आई तू क्या दिखा सुन मेरी माता जी कितनी मलूक है कितनी सुंदर है अब देख ले अरे मेरे पुट्ठे वाले हाँ क्यों जाती क्यों ना है तू लंका इसकी तेरी ना तेरी अरे राजा खेल लिया ठीक है इसे भगा दे जंगल में इधर आ भाई मंत्रियां क्यों बे निर्लज तू इनको लेके क्यों आया दोनों चल एक को ले जा यहां से नहीं महाराज झेलो दोनों ने अब अच्छा और क्या तू तो पढ़ी लिखी है समझदार है चल वो ये डंकनी इसी के लिए कह रहा था बड़ी अच्छी है मेरी बड़ी रानी अच्छी है ये कुलगातनी नकटी चुप हो जा जी बाहर खेच लूंगी ना मेरी नाक तो लंबी है तू है नकटी चुप हो जा ए छोटी माताजी देख रेड़ो मेरी मम्मी रेड़ ले दी तूने मेरी मेरी माताजी कितनी मलूक है तू तेरी टांग छोटी है और धड़ लंबा है छोटी छोटी टांग है तेरी सुन कालिया कहीं के हां आखिरकार तो देख उसकी संबाई देख हां शादीशुदा होने के बावजूद भी तुझे लेके आ गई मेरी जिंदगी खराब कर दी तेरे पे एक बेटा हो गया हाँ। राज रानी पटरानी बन के तू रह रही अर्जुन तो देख तुम दोनों बहन लड़ रही हो देखियो सारा परिवार कैसा हंस रहा हंसेगा ही सबसे बड़ी बात यह आज राजा की बेइज्जती हो रही है तू बेइज्जती कराने लायक है अभी तूने एक शब्द नहीं कहा उसे जब मुझसे दादा लीला राम एक पांसू उसने तोड़ दी और एक उसने तोड़ दी बेकार और कर ले बुढ़ापे में ब्याह एक पांचू टूटी टूटेगा ही तू ये वीर सिंह सरपंच मरेगा पहले इसने ये तालीम दे रखी है मुझे इरे कर दिया काम बुराई का न्यू हासे से संसार बने अरे घेर बिठाया गोदी और उत्तम सेना प्यार तने उत्तम सेना प्यार तने जे इसकी माता सुन लेगी ते तो? देगी काल हजार तने केला गैस शौक मेरी वासे देगी भरतार तने वासे देगी भरतार तने वाना सेद है तू सेद से दूंगी मैं तो छाती पर से ब्याह अरे वाना से दे तू से देगी वाना से दे तू से देगी कर दिया इज्जत तुम्हारी का अरे अब अपनों की सेड़क हो ये कहना दुनिया सारी का कहना दुनिया सारी का मैं तो कहूँ तू मर जा भी बुढ़े कहीं के विधवा हो जाओगी हो जाने दे मैं तो अब भी विधवा सी हूँ मेरा फंदे में जी फेरिया से मर जा कुछ कहिया सुनिया भी ना जाता अरे तू इंसाफ करनिया राजा न्याय नीति का ज्ञाता न्याय नीति का ज्ञाता ध्रुव उत्तम से एक बाप के ध्रुव उत्तम से एक बाप के न्यारी न्यारी दो माता समझ रही हूँ पर एक बात का जवाब दे दे अरे ध्रुव उत्तम से एक बाप के न्यारी न्यारी दो माता आज बता दे आज बता दे राज की गति कुण से ने देना चाहता देना चाहता या ते अपना भाग लिखा के ले आया मैं लूंगा गति में ले ले या ते अपना भाग या ते अपना भाग या ते अपना भाग लिखा के ले आया न भूखी गति थारी का वचनों कारण उत्तम बेटा मालिक रैयत सारी का मालिक रैयत सारी का मेरे भी दुख पहुंचा रानी कवर मारी का जिसने कवर
माजाई बहन भी कलिहारी है तेरी। मेरी नहीं है कोई बहन, मेरी बहन मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब तेरा रिश्ता लेके गई थी। अरे यूं तो देख, राजा के घर में आई है, रानी कह के लोग हर तरीके के ठाट हैं, और ना तो न्यू ही गोबर थापती फिरती कहीं। अगर तुझसे मेरी शादी नहीं होती ना, जब तुझसे भी बढ़िया जवान राजा होता उसके यहाँ जाती मैं। दादा लीला राम कैसे करें, चुप्पी लगा जाऊं? चुप्पी अच्छा? लगा जा, इसी में फायदा है। हाँ इसकी माता कढ़वा दी, अरे इसकी माता कढ़वा दी, और बता के चाहवे से उसका बेटा, ये उसका बेटा सजन बता क्यों दरबारों में आवे से, ये दरबारों में आवे से। अरे आ गया ते के चाड़ा हो गया, हो गया शर्म नहीं है तने की भी? नहीं, तेरे है शर्म, पिट के ही मानेगा, मान नहीं सकता वैसे। आई आई करके तुझे बताऊं अभी? ऐसे ऐसे मतलब तू दरबार में राजा पे हाथ उठावेगी? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ओ देखो छोटी छोटी टांगों की माताजी कमाल कर रही है, तू देखो। अरे आ गया ते के चाड़ा हो गया, चीज तेरी के ठावे से, तेरी गोदी में बैठ बैठ के मेरा लहू जलावे से, ये मेरा लहू जलावे से। अरे इसका भी हक पूरा से, इसका इसका भी हक पूरा से, क्या बेटा छतरधारी का हर गिज भी ना आवन दू मन दुख से बाचा थारी का, दुख से बाचा थारी का। किसी बुजुर्ग ने सही कहा है, अकि ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है, बहुरंगी नहीं रसरंगी है, ढकले तो सारे कुल ने ढकले वरना नंगी की नंगी है। चलिए रे रानी, इब भी वक्त है, एक बार दरबार ते माफी मांग ले, तलाक दे मुझे। इब ते या मोदी सरकार, तलाक दे। मोदी सरकार ने साला तलाक भी बंद कर दिया, तीन तलाक ही तो किया, वैसे थोड़ी किया है। मुझे तुझसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन, लेकिन मैं शर्म भुगत रहा हूँ जो फेरे लिए। अजी शर्म तो तेरी जब ही उतर गई थी जब दूसरी ब्याह दूसरा ब्याह करके लाया। राजा महाराजाओं के यहाँ तो सौ सौ रानी रखने का, लेकिन मैं उन रानियों में से नहीं हूँ जो छाती पे और रानी बैठी रहे और मैं जीवित रह लूं। तो वो बुढ़ी रानी तो बन में भेज रखी है। बुढ़ी नहीं है, पूरी जवान बना रखी है तूने, अभी तो पीट देती मुझे। अच्छा हाँ सुन मेरी बात। हाँ बोल। बोलिया भी न जाता से, अच्छा मर जाना बोला जाता तो क्या कर रहा है जी के दर पे। बोलिया भी न जाता से, इस बांध जुड़ के घेर दिया मेरे बेटे को, मेरे बेटे को मारन खातर प्यार तने एक बैल किया, प्यार तने एक शेरिया बचना के मां बांध के तने। हाँ। बचना के मां बांध के तने, ए राजा का मन फेर दिया मेरे जीते जी, बता सजन तने क्यों इतना अंधेर किया, क्यों इतना अंधेर किया। अरे
इस बालक के आवन ते, ओ इस बालक के आवन ते, तेरा कूढ़ा हो गया हारी का। अरे लक्ष्मी चंद मैं अब समझी सू, काम तेरा होशियारी का, काम तेरा होशियारी का। और मेरे भी दुख पहुंचा रानी, मेरे भी दुख पहुंचा रानी, रात कमर के मारी का। जिसने कमर बतावे से या बेटा से कलहारी का, बेटा से कलहारी का।